Mr. Sukesh. We are all senior faculty of the Medanta Liver Institute at Gurgaon, Delhi NCR. And we are also the team that will be running the liver clinic at the Medanta Medical Center in Jammu. And Mr. Sukesh is head of our patient services. And Dr. Sudhanshu, and he and the team will be coordinating this liver clinic, which will happen regularly, at least every month. Plan ye hai ki if it is needed, hum har do hafte mein ya har hafte mein bhi aa sakte hain, because this is a very important area for us. Aur ye clinic pehle bhi chal rahi thi, beech mein thodi si disruption aayi thi, abhi hum isko, you can say that we are relaunching it in a much bigger and better way. Aur aapke liye aur aapke patients ke liye hum frequently yahan aayenge. To ये लिवर क्लिनिक का पर्पस है कि अब जम्मू और कश्मीर की पॉपुलेशन जो आपके लोकल सिटी की है और बाकी स्टेट की है, उनके डोर स्टेप पे एडवांस लिवर सर्विसेज अवेलेबल होंगी. और एडवांस लिवर सर्विसेज में मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी का ट्रीटमेंट, लिवर सर्जरी, बिलरी सर्जरी, गॉल ब्लैडर सर्जरी, बट कॉम्प्लेक्स गॉल ब्लैडर सर्जरी, नॉट सिंपल गॉल ब्लैडर सर्जरी, एंड ऑफ कोर्स लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब तरीके के मरीज जो हैं ये देखे जाएंगे. और पहले भी हमारे 250 से ऊपर मरीज हैं जिनका हमने लिवर ट्रांसप्लांट किया है, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के हैं, और उनको फॉलोअप किया जाएगा. और जो न्यू पेशेंट्स हैं उनको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट किया जा सकता है तो वो होगा, और वो नहीं किया जा सकता है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट की इवैल्यूएशन होगी. आपके जो लोकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा. तो इस क्लिनिक का पर्पज़ है कि एडवांस लिवर सर्विसेज आपकी स्टेट के लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो. और अब ये हमारी लिवर टीम है जो इसको मैनेज करेगी, हम रेगुलरली आएंगे. अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर आप क्वेश्चंस अपनी तरफ से पूछना चाहें तो ठीक है, पर मेरा ये सजेशन है कि हम आपको थोड़ा सा लिवर डिजीजेज के बारे में, स्पेशली जम्मू कश्मीर में क्या रिलेवेंट है उसके बारे में, यहाँ कितने लोगों को लिवर फेलियर, लिवर कैंसर की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्यों आती हैं, तो पाँच दस मिनट तक हम तीनों आपको ब्रीफ कर देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा है कि 2018 में, यानी कि आज की एज में, सबसे इम्पॉर्टेंट लिवर डिजीज का कारण क्या है? आप कहते हैं, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं लिवर डिजीज है, लिवर डिजीज होती क्यों? तो अब लिवर डिजीज का जो हुलिया है काफी चेंज हो गया है. चार मेन कारण हैं लिवर डिजीज के जो अल्टीमेटली लिवर कैंसर और लिवर फेलियर पैदा करते हैं अडल्ट्स में. वो हैं, इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. यहाँ पे 50 लोग होंगे, उसमें से 20 लोगों को फैटी लिवर डिजीज है, ये शायद आप नहीं जानते. 35-40% ऑफ एडल्ट्स टुडे इन इंडिया हैव अ फैटी लिवर. इट डज नॉट मीन दे हैव अ फेलिंग लिवर, बट दे हैव अ फैटी लिवर. और फैटी लिवर आगे चलकर फेल भी हो सकता है, कैंसर भी बन सकता है. तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और कैसे ट्रीट किया जाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट लिवर डिजीज है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. उससे कम, उससे नेक्स्ट आती है अल्कोहलिक लिवर डिजीज, यानी कि अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करने से. और फिर उसके नीचे जो कारण हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, वो पहले बहुत थे और अब थोड़े ट्रीटेबल हैं, इसलिए एडवांस स्टेजेस में कम जाते हैं. तो ऐसे होता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज किन को होती है? उनको होती है जिनको डायबिटीज है, जिनको मोटापा है, जिनको बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको लिपिड्स खराब होते हैं वो बोलते हैं, वो है जिनकी फैमिली टेंडेंसी है, जिनको जेनेटिक थोड़े इश्यूज हैं कि उनकी जीन में इस तरह की प्रॉब्लम है कि फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता है तो फैट लिवर में जमा होता है. तो फैट लिवर में या कहीं पे भी, आप खुद ही सोच लीजिए, अगर दोज ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ हैविंग गुड मसल्स, अगर उसके आसपास सब फैट जमा हो, मसल के अंदर फैट जमा हो, तो मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहती है. तो इसी तरह अगर फैट लिवर में जमा हो तो लिवर के जो सेल्स हैं वो काम करने बंद कर देते हैं और आहिस्ता 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 लिवर फेलियर होता रहता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए नेचुरली ओबेसिटी को ठीक करना है, डायबिटीज को ठीक करना है, लिपिड्स को ठीक करना है, लाइफस्टाइल को ठीक करना है. जो बच्चे हैं उनको आप शुरू से हैमबर्गर्स और फ्राइड फूड देते रहेंगे तो नेचुरली 20 साल के बाद उनका लिवर फैटी हो जाएगा नेचुरली, उनकी आदत भी वैसी बन जाएगी.
So lifestyle changes are very important. Exercise every day is very important. So these are prevention things which a lot of us know, but we don't practice. But the serious part is that 10% to 15% of these people with fatty liver disease will progress to serious liver disease and liver failure and liver cancer. So isliye kehna nahi chahiye pe aaj ke 50 mein shayad ek do logon ko serious liver disease ho sakti hai future. Out of the 20 who have fatty liver. So isko prevent karna. बाकी डिजीजेस के बारे में लिवर कैंसर के बारे में डॉक्टर त्यागराजन डॉक्टर साहब से बात करेंगे. मैं थोड़ा ट्रांसप्लांट के बारे में बात करना चाहता हूँ. ट्रांसप्लांट हर लिवर डिजीज के पेशेंट को नहीं चाहिए होता है, लेकिन उन्हीं को चाहिए होता है जिनका लिवर एडवांस स्टेज तक 75-80-85% फेल हो जाए या फिर लिवर कैंसर हो जाए और लिवर का अपना हुलिया भी खराब हो, यानी कि कैंसरस के अलावा बाकी लिवर भी खराब हो ताकि उस पोर्शन को निकाल नहीं सकते हैं तो पूरे लिवर को चेंज करना पड़ता है. तो लिवर कैंसर इन अ बैड लिवर प्लस अ बैड लिवर बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज फोर डिजीजेस दैट आई स्पेल्ड आउट इज द रीजन दैट यू नीड अ ट्रांसप्लांट.